बोला कुणाल, this is not right. हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है. Oh my God, क्या हुआ? मॉम ने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा कर रखी. कौन सी बात? शक तो मुझे बचपन से ही था, पर आज यकीन हो गया. अरे ऐसा क्या लिखा है इसमें? नहीं 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 बताना मत, मुझे नहीं सुनना. नहीं नहीं मुझे सुनना, एक मिनट ना बोलना. तभी मैं कहूँ कि तुम्हें बचपन से ही मेरे जैसे एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स क्यों नहीं थे. कुणाल पहेलियां बुझाना बंद करोगे, बताओ क्या लिखा है इसमें. रोहिणी बचपन में तुम्हें सिर्फ मजाक करता था, पर मॉम डैड एक्चुअली में तुझे चांदनी चौक के कूड़ेदान से लेकर आए. व्हाट? हां व्हाट? गॉड भैया प्लीज स्टॉप इट, तक घटिया मजाक. वैसे मॉम कम नहीं है, मॉम का लव लेटर है. ओह यू मीन डैड का लव लेटर? मॉम का. हां डैड ने मॉम के लिए लिखा है तो मॉम का लव लेटर. एक मिनट, लव लेटर उसका होता है जो उसे लिखता है या उसका होता है जिसके लिए वो लिखा जाता है? गाइस इररिस्पेक्टिव, ये लेटर डैड ने नहीं लिखा. क्या? तो फिर किसने लिखा है? दिखाओ मुझे. अच्छा क्यों, ये तो पर्सनल है. We should respect mom's privacy. अब क्या हुआ? No, you're right. ये मेरे उसूलों के खिलाफ है. मुझे नहीं पढ़ना. Sure. या? ऋषि. हाँ. मुझे वो चिट्ठी पढ़नी है. अरे वो तो बचपन में पढ़नी चाहिए थी ना. क्या? मैं कह रहा हूँ कि अब पढ़ने से क्या फायदा. हाँ? और तुम्हीं ने कहा था ना रोहिणी कि मैं उसे कभी नहीं पढ़ूंगी. हाँ तो मैं अकेली थोड़ी पढ़ूंगी, हम दोनों साथ में पढ़ेंगे ना. What about your usool and your others? अरे भाड़ में गए मेरे उसूल यार, माँ की. He's reacting. अरे मैं बोल रही हूँ माँ की लाइफ में डैड के अलावा भी कोई और इंसान था. तो मैं जानना चाहती हूँ वो कौन था. तो जाके कुणाल से लेटर मांगो और पढ़ लो और अपने उसूलों पर पानी फेर दो. अभी क्या कर रही है? ये तो हमारे बीच का सीक्रेट है ना. कि माँ के सीक्रेट्स पर पानी फेर दे. That's really double standard. देखो मुझे लेक्चर नहीं लेटर चाहिए जो तुम लेकर आओगे भैया के कमरे से. मैं? और मैं पकड़ा गया तो? तो तुम स्मार्ट हो, कुछ बोल देना. मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कुणाल ने लेटर कहाँ रखा है? मैं बताती हूँ. मेक श्योर जब तुम कमरे में एंटर कर रहे हो तो तुम्हें कोई देखे ना, फिर दबे पांव कमरे में एंटर करना, पर्दे याद से लगा देना. अब तुम सांस ले सकते हो. भैया राइट साइड में सोते हैं. मेरा राइट? बेड का राइट? नहीं, तुम्हारा लेफ्ट, बेड का राइट. तो सबसे पहले उनके बेड के कुशन कवर और पिलो कवर में देखना, और अगर वहां ना मिले तो फिर तो लेटर भैया ने अपनी कबर्ड के अंदर किसी जैकेट की पॉकेट में रखा होगा. क्या ढूंढ रहा है? शर्ट, शर्ट, शर्ट ढूंढ रहा था. मेरी कबर्ड में. ओ, ये तुम्हारी कबर्ड है? आई नो, यू डोंट नो. नो एक्चुअली क्या है ना कुणाल, हम मुंबई वालों को इतने बड़े घरों की आदत ही नहीं है. ये तुम्हारे रूम जितना तो मेरा पूरा फ्लैट है. तुम्हारे घर में तो मैप्स लेके जाना पड़ेगा कि कमरा कहाँ है, बाथरूम कहाँ है, कबर्ड कहाँ है. बट नाइस कलेक्शन ऑफ शर्ट्स एंड वेरी फ्रेंच. मैं जाता हूँ अपनी शर्ट अपने कमरे में ढूंढता हूँ. ऋषि. हाँ. वो तो ले जाओ जिसके लिए आए थे. वो तो मिला ही नहीं. ये रहा, ये सामने टेबल पे रखा था. हाँ. तुम्हें दिखा नहीं? नहीं मैंने तो वही देखा जा रोहिणी ने कहा था. इट्स ओके, वो मेरी बहन है, मुझे उसका दोगलापन मालूम है. सो प्रिय मित्र, शादी बहुत बहुत मुबारक हो. मैं नहीं आ पाया, माफ करना. उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें जीवन में पहले से ज्यादा खुशियाँ और प्यार मिले, क्योंकि तुमने एक अद्भुत जीवन साथी पाया है. एक छोटा सा तोहफा इस पत्र के साथ भेज रहा हूँ. अपना ख्याल रखना, हमेशा मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहेंगी. तुम्हारा प्यारा जेडी. ये जरूर कोई स्पेशल इंसान होगा. स्पेशल इंसान? 500 रुपए कौन भेजता है शादी में? ये भी 40 साल पुरानी बात है. उस टाइम पता है 500 रुपए की क्या वैल्यू होती थी? और सोचो मॉम ने तब भी खर्च नहीं किया इसको, यानी कि मॉम के लिए क्या वैल्यू होगी उस इंसान की? हो सकता है कोई रैंडम फ्रेंड हो रोहिणी. तो फिर मॉम डैड की शादी में क्यों नहीं आया?
आया नहीं, आए क्यों नहीं आए, और अच्छा ही हुआ जो नहीं आए, नहीं तो मॉम डैड की शादी में कुछ कुछ होता है का प्रीक्वल बन गया होता और तुम रोहिणी चोपड़ा नहीं, रोहिणी डी होती। लेकिन पता करना पड़ेगा कौन है ये जेडी जिसने 40 साल में पलट के मॉम को नहीं देखा। छोड़ ना रोहिणी, हर किसी का पास्ट होता है। यानी कि तुम्हारा भी पास्ट है? नो, नॉट एट ऑल। मेरा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, डिमेंशन, यूनिवर्स, सब तुम हो। लेकिन आई थिंक ये जेडी को तो इनवाइट करना ही पड़ेगा। नो नो नो, पागल हो गई। ही वाज पार्ट ऑफ द ग्रुप। अरे कैसी बातें कर रही हो यार, मॉम डैड की एनिवर्सरी है, कुछ कुछ होता है का सीक्वल बन जाएगा। क्या बोल रहे हो तुम? लव ट्रायंगल। देखो जेडी को मॉम से प्रेम था, लेकिन मॉम तो प्रेम की पुजारन थी। जेडी का गेम हो गया और मॉम का प्रेम हो गया। अरे यार 40 साल पुरानी बात है, जेडी की भी तो शादी हो गई होगी ना, हमारे बराबर के बच्चे होंगे उसके अब। नो रोहिणी नो, तुम इन सीरियस आशिक टाइप को नहीं जानती। एक दिल जला आशिक शादी पर नहीं, बर्बादी पर फोकस करता है। वो अपने अधूरे इश्क की टीस में जलता रहता है, भुनता रहता है, और तुम एक जले भुने जेडी को मॉम डैड की एनिवर्सरी में बुला के उनके बीच आग लगाना चाहती हो। नो राइट, जो बीत गई सो बात गई। ठीक है, नहीं बुलाते फिर, लेकिन मैं मॉम से पूछूंगी जरूर। अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो, अपने पापा से पूछो, पूरी शादी में मुंह फुला के बैठे हुए थे। मॉम? अरे पापा आप कुछ बताएंगे कि हुआ क्या? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। आए! अरे रोहिणी, ऋषि, तुम कब आए? 4 दिन हो गए। चार दिन? बताया क्यों नहीं? He means 4 दिन के लिए आए हैं। उसका कुछ काम था और मैं फ्री थी तो मैं भी आ गई। जहान कहाँ है? जहान सपना के साथ मॉल गया है। अरे वो सब ठीक है डैड, बट आप 2 दिन पहले कैसे आ गए? What do you mean? घर है मेरा, किसे पूछ के आऊंगा जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं। What I mean is, शादी तो नहीं टूट गई उसकी? अरे मोंटू में बहुत बचपन आया। वहाँ एक और बच्चा था बड़ा सा, 65 साल का, और अगर हम वहाँ 1 मिनट और रुकते ना तो सच में मोंटू की शादी टूट जाती। 1 मिनट? वहाँ एक एक सेकंड गुजारना मुश्किल हो रहा था। क्यों, ऐसा क्या हुआ पापा? तुम्हारे पापा को रूम में बैठकर पहाड़ देखने थे। क्या? मैं बताता हूँ, इनके सुंदर भैया ने अपने ससुराल वालों को डिलक्स रूम दिया था, और अपनी लौटी बहन और उनके पति को क्या दिया था? सुपर डिलक्स, नो व्यू डिलक्स रूम। ये क्या होता है? तुम्हें मजाक लग रहा है ये? नहीं नहीं, मैं तो सच में पूछ रहा हूँ कि ये कौन सी कैटेगरी है? अरे वेबसाइट पर जाके चेक किया मैंने, नो व्यू डिलक्स रूम। सुंदर और उसके ससुराल वालों को मिला हिमालयस का व्यू, और मुझे क्या मिला? हिमालय जनरल स्टोर का व्यू, साथ में पार्किंग लॉट कॉम्प्लीमेंट। और मैं क्या देखता था? कौन सा ड्राइवर कितनी सिगरेट पीता था, कितना तंबाकू खाता था, कितनी बार बाथरूम आता जाता रहता था। ऊपर से गाड़ियों का शोर, ऐसा लग रहा था कि मैं मसूरी नहीं बसूरी आ गया हूं। तो किसने कहा था तुम्हें रूम में बैठने के लिए? सारे फंक्शन तो आउटडोर थे। हाँ तो गया था ना मैं लॉन में, सब दबी आवाज में हंसे थे मेरे ऊपर, नो व्यू वाला आ गया, नो व्यू वाला आ गया। अरे वो तो सुंदर भाई साहब के साले कुछ मजाक कर रहे थे। अरे सालों की ऐसी की तैसी, सारी रात नहीं सो सका मैं, वो लोग सारी रात हिमालयस के व्यू देख रहे थे। रात को पहाड़ नहीं दिखते, वहां कोई टॉर्च लेके खड़ा नहीं होता कहते हुए वो देखो हिमालय की चोटी। अरे रात को मार्केट कितना सुंदर ग्लो कर रहा था, वो देखा ना आपने? ओके पापा, आप इतनी सी बात के लिए शादी छोड़ के आ गए? इतनी सी बात? अरे बेटा जब बात इज्जत पर आ जाए ना तो प्रेम चोपड़ा खाए बिना रह सकता है, सुनाए बिना नहीं। यू नो आई थिंक दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ फूफा जी सिंड्रोम। हाँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हाँ हूँ मैं फूफा जी मोंटू का, नखरे करने का हक है मेरा। I agree totally, I am with you। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ फूफा जी, I mean पापा जी, कि no view deluxe room बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। फूफा जी तो इस बात पे मुंह फुला लेते हैं कि उनके समोसे में 2 मटर कम निकले। I'm with you। एक सेकेंड, कुछ भी नहीं हुआ डैड, आपकी ईगो बीच में आ गई। ना आ गई ईगो बीच में, दामाद हूं मैं उनका, वो भी इकलौता, हक बनता है मेरा रूम चूज करने का। तुम्हें पता है दामाद की क्या अहमियत होती है ससुराल में? कितना बुरा लगा होगा सुंदर भाई साहब को। अच्छा हुआ बुरा लगा, तभी होश ठिकाने आएंगे उसके। आपसे तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं है, तुम तो बस फायदा ही देखते रहो। बट डैड आप ही तो बोलते हो हमेशा कि हर बात पे पहले प्रॉफिट पे फोकस करो। यू शट अप, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे पास भी तुमसे कहने के लिए कुछ नहीं है। हाँ सपना, कौन से मॉल में हो तुम? नो,
हम तो आए मम्मी पापा का सरप्राइज प्लान करने, इन्होंने तो हमें शौक ही दे दिया। अबे काहे परेशान हो रहे हो, बोल लेना भेज देंगे। कमा ये क्या सूखी सब्जी है यहाँ पे, जाओ ताजी सब्जी लेकर आओ। मैं मंगवा देता हूँ। हाँ, और सरसों लेके आना, बच्चों के लिए सरसों का साग बनाना, और कटहल भी लेके आओ। हाँ? ठीक है मैम। ये क्या क्या गंद फैला के रखा है सब जगह, हाँ? धोया क्यों नहीं इसको? वो मैं करवा देता हूँ ना अभी। हाँ, जाओ फटाफट करो। कहाँ गए सब? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? एंग्री, इरिटेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। हमें भी दिखता है मॉम, बट इससे आप ही की तबीयत खराब होगी। अच्छा, तुम्हारे पापा ने भेजा होगा ना, उनकी तो ईगो बीच में आ रही होगी सॉरी बोलने के लिए। मॉम, डैड ने नहीं भेजा है हमें। हाँ, नहीं भेजा? हाँ, उनको क्या फर्क पड़ता है मैं जीऊँ या मरूँ। नहीं, उसका मतलब है कि डैड के कहने से पहले ही हम आ गए, खुद ही आ गए। मॉम, डैड रियली लव्स यू। यू नो, आई एम सो फेड अप ऑफ दैट मैन। कैन यू इमेजिन, कल 40 साल हो जाएंगे दोनों को झेलते झेलते। दोनों कौन? उनकी ईगो और उनके खराटे। पर 40 नहीं ना मॉम, 45, बिकॉज शादी से पहले भी 5 साल कॉलेज में यू वर डेटिंग। नो, दैट वाज ओनली इन द लास्ट 2 इयर्स। फर्स्ट 3 इयर्स तो मैंने घास भी नहीं डाली प्रेम को। क्यों, आपका कोई और बॉयफ्रेंड था क्या? Are you mad? अरे बताओ ना मॉम, इतने साल हो गए हैं, बताओ बताओ बताओ। अरे नहीं, मच एज इट हर्ट्स माई ईगो, प्रेम इज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव। तो फिर जेडी कौन है? कौन जेडी? वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं, कौन जेडी? जेडी हमारा जेडी हमारा नहीं, आपका जेडी। मेरा नहीं, तुम्हारे पापा का जेडी, उनका चड्डी बड्डी। अच्छा, तो फिर लेटर उन्होंने आपको क्यों लिखा था? कौन सा? मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा प्यारा जेडी। अरे वो लेटर तुमको कहाँ से मिला? That's not important, mom. आपने हमसे झूठ क्यों बोला? अरे वो लेटर मुझे नहीं, तुम्हारे पापा को लिखा था। क्या? हाँ, सी जेडी एंड तुम्हारे पापा कॉलेज में जिगरी दोस्त। हाँ, इनसेपरेबल, बिल्कुल जैवी रूट टाइप्स। इनफैक्ट कॉलेज में जेडी और पीसी ये जोड़ी मशहूर थी। यू नो, कभी कभी तुम्हारे पापा हमारे डेट्स पे जेडी को साथ लाते थे। देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कॉलेज के बाद समहाउ हमारी लाइफ से वैनिश ही हो गया। शादी पे भी नहीं आया, वो लेटर भेजा, एंड देन आई डोंट नो, वी जस्ट लॉस्ट टच। आपने डैड से कभी पूछा नहीं जेडी के बारे में? पूछा था कई बार, बट यू नो हाउ ही इज ना, उसका नाम सुनते ही चिढ़ जाते थे, तो मैंने पूछना बंद कर दिया। आई मीन, फिर हमारी शादी हो गई थी, बच्चे बच्चे हो गए थे, वी वेंट ऑन विद आवर लाइव्स। तो अभी जेडी कहाँ है? इज ही डेड? यू मैड और व्हाट? नहीं, यही दिल्ली में है। आपको कैसे पता? पूरी दुनिया जानती है कि जोगिंदर धीर कौन है। द ग्रेट जोगिंदर धीर। अरे उन्हीं के क्लब में तो मैं गोल्फ खेलता हूँ, मतलब मेरी गोल्ड मेंबरशिप में प्लैटिनम हो जाएगी। धीर ग्रुप के यत्र तत्र सर्वत्र डैड के चड्डी बटी थे, अब नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है डैड की, किससे दोस्ती रखनी है किससे नहीं रखनी है पता ही नहीं उनको। 50 फालतू दोस्त पाल रखे हैं, लेकिन एक मतलब की दोस्ती रखनी थी वो नहीं हुआ इनसे। अरे कितने काम हो सकते थे हमारे यार। अरे कोई नहीं, अभी इनवाइट कर लेंगे, मिला देंगे, फ्रेंडशिप फिर से हो जाएगी। अरे नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है, कोई तो रीजन होगा ना जो डैड ने उनसे 40 साल से बात नहीं की है। सन की है। क्या? सन की तरह सोचते नहीं है डैड। लुक एट हिम, ये सब कुछ भुलाकर अभी भी मिस्टर धीर को गले लगाने को तैयार है। भाई मैं तो कल क्लब जाते होने पहले गले लगा लूंगा और फिर इनवाइट कर दूंगा। कोई फायदा नहीं, मॉम एंड डैड को देख के ऐसा नहीं लग रहा है इन एनी मूड टू सेलिब्रेट, उल्टा हमारी बेइज्जती ना हो जाए। आई एग्री विद सपना, मॉम तो डैड से बात करने को तैयार ही नहीं। अरे ठीक है यार, इफ मॉम इज नॉट रेडी टू रिकंसाइल विद डैड, वी विल मेक श्योर डैड रिकंसाइल्स विद मॉम। वी हु? यू एंड मी। हाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ द फैमिली वेकेशन सीजन 3। या, और अगले हफ्ते पता चलेगा जब जेडी घर आएगा तो क्या धमाका होगा। Who is Joginder Dheer? And if you like this episode, please like, share and subscribe to Shady Ideas Trending. All of us signing out. Love and peace from us to you. See you next week. Bye.
You're a disco dancer, is it? I am. I made these moves. Yeah, this one seems to be a disco dancer.